सेटिस्फाइड सोल हंगर वेल, आज मैं कुछ ऐसा खाने के लिए आई हूँ जिसे खाने के बाद मैं भी ये कहूँ सेटिस्फाइड सोल हंगर वेल। मैं आज हूँ वेस्ट दिल्ली के फूडूडू में। इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी क्या है आज मैं आपको इस वीडियो में सब बताने वाली हूँ। आपके साथ यहाँ की एक्सक्लूसिव रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। शेफ एक्सक्लूसिवली आपके लिए बनाने वाले हैं अपने रेस्टोरेंट का स्पेशल खाना। तो तैयार है आप? आइए हम चलते हैं फूडूडूज के किचन पर। वेल, अब मैं हूँ फूडूडो के किचन के अंदर और मेरे साथ है फूडूडो के ओनर निखिल, जो है शेफ भी। वेलकम निखिल। हेलो, खिचड़ी द फूड चैनल में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो क्या स्पेशलिटी है आपकी रेस्टोरेंट मैम? हमारे में नॉर्थ इंडियन में जो है कढ़ाई पनीर है जो सबसे ज़्यादा चलता है, क्योंकि पनीर के अंदर जो कढ़ाई पनीर में थोड़ा स्पाइसी भी हो जाता है, उसमें सारे फ्लेवर्स आ जाते हैं अपने धनिया का मिर्च का, तो थोड़ा लिटिल बिट स्पाइसी भी रहता है, तो कढ़ाई पनीर हमारा ज़्यादा चलता है। उसके अलावा मोमोज भी लेंगे तो मोमो नॉर्मली मोमोज तो हर जगह मिल ही जाते हैं। जो मेन जो मोमोज होते हैं वो तंदूरी मोमोज होते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं हमारा जो पास्ता में इटालियन में अगर आप जाएंगे तो इटालियन में हमारा मखानी पास्ता, नॉर्मल रेड सॉस पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता तो आपको हर जगह मिल जाता है। जो मखानी पास्ता है वो फेमस है यहाँ पे, जो भी आता है एक बार जो ट्राई करता है तो वो स्पेशली फिर सारे पास्ता भूल के सिर्फ और सिर्फ मखानी पास्ता पे उसका वो आ जाता है। बिना मेन्यू देख के सीधा मखानी पास्ता दे दो। तो फूडूडो के मखानी पास्ता में क्या स्पेशल है? ये शेफ निखिल बनाते हैं या फूडूडो के कोई स्पेशल शेफ है? मैं हमारे स्पेशल शेफ भी है, लेकिन आज जो ये है मखानी पास्ता जो है वो मैं आपको खुद बना के दिखाऊंगा। तो निखिल, आप शेफ हैं या आपका ये सफर फूडी होने की वजह से शुरू हुआ? मैं फूडी होने की वजह से शुरू हुआ है। इससे पहले मैं कोटक में जॉब करता था, तो वो लेफ्ट करके मेरा खाना बनाने का और मेरे को मसाले से खेलने का बहुत शौक है। तो अब मेरे पास कोई मसाला भी नहीं होगा पर्टिकुलर अगर कोई चीज बना रहे तो, दो चार चीज को मिक्स करके मैं उससे बेटर टेस्ट ही ले आऊंगा। तो अभी तो मेन जो है मेरा चाइनीज और इटालियन है। नॉर्थ इंडियन में इतना हाथ साफ नहीं है, लेकिन चाइनीज और इटालियन में ऑर्डर लगा के दे देते हैं तो कोई कंप्लेंट नहीं वहाँ से। तो आपने शेफ का बना मखानी पास्ता तो बहुत ट्राई किया होगा, लेकिन पैशन के साथ आज निखिल एक स्पेशल मखानी पास्ता बनाने वाले हैं एक्सक्लूसिवली खिचड़ी द फूड चैनल के लिए। तो शेफ, मैं तो आपको शेफ ही कहूँगी, शेफ निखिल, आप हमारे लिए मखानी पास्ता आज बनाने वाले हैं, तो उसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट यूज करेंगे आप? मखानी पास्ता के ये हैं, उसमें हमारे जो जाते हैं कैप्सिकम होगी आपकी, अनियन होगी, बेबी कॉर्न हो गया, स्वीट कॉर्न हो गया, मशरूम आपका, ब्रोकली एंड ये कैरेट। और इसमें ये से जाएगा, इसमें जो मेन जो है वो सीजनिंग है, ये आपकी सीजनिंग है और ये चिली फ्लेक्स है। मेन टेस्ट इनका होता है, बाकी जो सॉसेस का टेस्ट रहता है वो हम बनाते जब हम बनाएंगे, जब मैं आपको एक एक करके बताता रहूँगा। और क्योंकि आप मखानी पास्ता कह रहे हैं तो ये मक्खन आपने बहुत सारा रखा हुआ है, ये नॉर्मल बटर है या कोई स्पेशल बटर है? ये मैम अमूल का बटर है। ये नॉर्मल अमूल का बटर है। तो आइए शेफ से आज सीखते हैं मखानी पास्ता की एक्सक्लूसिव रेसिपी पैशन के साथ, वो कैसे बनाते हैं। वेल, तो आप मखानी पास्ता सीखने के लिए तैयार हो जाइए, देखिए कैसे बना रहे हैं। तो शेफ, आप इसमें पहले क्या डाल रहे हैं? मैम इसमें सबसे पहले जाएगा बटर, बटर को आप अच्छे से पिघला रहे हैं पहले डाल के। इसके बाद इसमें हम डालेंगे गार्लिक, ये गार्लिक पेस्ट है जो अभी डाल रहे हैं निखिल। बटर के अंदर गार्लिक पेस्ट को आपने रोस्ट किया अच्छे से, और जब थोड़ा सा हल्का लाइट ब्राउन हो जाएगा उसके बाद इसमें हम वेजीज डालेंगे। ओके, गार्लिक पहले इसलिए डाला है ताकि गार्लिक का फ्लेवर आ जाए। अगर हम बाद में डालेंगे तो कच्चा लगेगा और मुंह में लगेगा, इसलिए तो गार्लिक हमने पहले डाला। गार्लिक पहले इसलिए डालते हैं ताकि कच्चा फ्लेवर ना आए। ओके, अब ये मिक्स वेज डाल रहे हैं, सारे हम वेजीज डाल देंगे। ओके, थोड़ा सा सोटे करेंगे। इटालियन में जो भी सब्जी होती है वो थोड़ी कच्ची रहती है, क्योंकि अगर ज़्यादा कर देगा तो सारा फ्लेवर नहीं आ पाता। जब इटालियन खाओ तो उसका आपको पता होना चाहिए कौन सा अलग अलग वेजीज है। ओके, तो बटर के अंदर बेसिकली आपने इन वेजीज को सोते किया है। हाँ जी मैम। अब इसके बाद हम थोड़ा सा, जब ये हल्की सी हमें लगा के हल्का हल्का पक गया, इसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। मिल्क ऐड कर रहे हैं, ये फुल क्रीम मिल्क है? हाँ जी, अमूल का फुल क्रीम दूध है ये। ओके, अमूल का फुल क्रीम दूध डाल रहे हैं मखानी पास्ता में।
इसका जैसे हल्का सा बॉईल कर देंगे। अच्छा, दूध के अंदर ही इसको बॉईल कर रहे हैं हम सब्जियों के साथ इसको। और ओके, अब इसके बाद हम ऐड करेंगे सॉसेज। ये हमारा चीज ब्लेंड है। चीज? हाँ जी, लिक्विड। ओके, ये लिक्विड चीज इनका सॉसे है। और ये इन्होंने 2 स्पून 3 स्पून ऑलमोस्ट 3 स्पून जितना ये डाला है। तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा जो डालेंगे मखानी सॉस डालेंगे। ओके, मखानी सॉस। ये स्पेशल आती है कोई मखानी सॉस? ये बियरबा कंपनी की आती है। अच्छा, तो वो हम डालेंगे। ये स्पेशली पास्ता और पिज्जा के लिए बनाई गई है सॉस। ओके, शायद हम इसमें काफ़ी सारी मखानी सॉस डालेंगे क्योंकि हमारे जो पास्ता में वो मखानी फ्लेवर आना चाहिए। अगर हम ये सॉस में थोड़ी सी भी कंजूसी कर देंगे तो क्लाइंट को मखानी वाला फ्लेवर नहीं आएगा। ओके, इसके बाद अभी ये डालते ही देखना इसका कलर चेंज हो जाएगा पास्ता का। इसके बटर चिकन और बटर पनीर जैसा कलर आ गया है इसका। हाँ जी मैम, तो मखानी है तो मखानी फ्लेवर हमें थोड़ा सा चाहिए। इसके बाद हम इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे क्योंकि थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए। इंडियन मखानी है तो थोड़ा स्पाइसी और थोड़ा स्वीटनेस होनी चाहिए इसमें। ये हमने सीजनिंग डाली है। सीजनिंग के बाद इसमें हल्का सा डालेंगे हम ब्लैक पेपर। तो बेसिकली ये इटालियन डिश है तो इसमें कोई भी इंडियन मसाला कोई नहीं जाएगा। ये सभी काफ़ी लोग हैं वो म्यूनीज में बना देते हैं पास्ता और उसके अंदर लाल मिर्च वगैरह डाल देते हैं। जो अपना इटालियन होता है उसमें इंडियन स्पाइसेस नहीं डालते। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड पास्ता। ये बॉइल्ड पास्ता है। अब ये 2 मिनट पकाएंगे और अपना पास्ता रेडी। यानी 5 मिनट में मखानी पास्ता फटाफट से तैयार हो गया। वेल, आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं। शेफ ने अपनी सीक्रेट रेसिपी आपके साथ शेयर करी है। फटाफट से इसको बना दिया है। अब हम इसको खा कर देखने वाले हैं कि ये कैसा बना है। तो वेल, मखानी पास्ता हमारा तैयार हो चुका है। अच्छे से निखिल ने हमें सर्व करके दिया है। उसके साथ में इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है ये तंदूरी मोमोज और ये कढ़ाई पनीर जिसके साथ ये नान सर्व किए जाते हैं। तो अब मैं 1 by 1 आपको ये सब टेस्ट करके बताने वाली हूँ कि ये कैसा है। तो शुरुआत करते हैं मखानी पास्ता से जो शेफ निखिल ने स्पेशली आपके लिए बनाया है। तो फूडूडू का ये मखानी पास्ता कैसा है टेस्ट करते हैं। मक्खन है, मक्खन। मुझे लग रहा था गार्लिक में बन रहा है तो एक गार्लिक का अलग से फ्लेवर आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। सब्जियां जब इसके साथ में गई हैं तो सबका फ्लेवर मिक्स होके बड़ा ही मज़ेदार सा आया है। निखिल बिल्कुल एक बात सही कह रहे हैं कि जो भी इस रेस्टोरेंट में आके ये मखानी पास्ता एक बार ट्राई करता है उसके बाद वो बिना मेन्यू चेक किए सबसे पहले सिर्फ मखानी पास्ता ही ऑर्डर करता है। वेल, ये मखानी पास्ता बहुत टेस्टी है। अब तक आपने जितने भी मखानी पास्ता खाए होंगे उन सबसे मैं इतना कह सकती हूँ कि ये लाइट है, खाने के बाद अपना एक अलग सा स्वाद छोड़ के जा रहा है, बहुत मज़ेदार। अब हम ट्राई करते हैं तंदूरी मोमोज। ये तंदूरी मोमोज साथ में इन्होंने डेकोरेट किए हैं अनियन के साथ में। लच्छा अनियन है, ग्रीन चटनी है। ये तो बहुत ही स्वाद लग रहा है मुझे देखने में। इसके ऊपर ये आप हरी चटनी ऐसे डालिए। अब मैं ये टेस्ट करने वाली हूँ तंदूरी मोमोज। ये स्पेशल तंदूरी मोमोज हैं जो फूडूडू की स्पेशलिटी है। वेल, ये ऑथेंटिक तंदूरी मोमोज हैं। मोमोज तो आपने बहुत खाए होंगे, मोमोज बनाने के बाद उसे नकली तंदूरी भी किया हुआ बहुत सारी जगह पे स्ट्रीट फूड की तरह मिल जाता है, लेकिन ये प्रॉपर तंदूर में बने हुए हैं। तो जो तंदूर का स्मोक होता है वो फ्लेवर भी इन मोमोज के अंदर आ रहा है। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। खाने के बाद अलग से कुछ हैवीपन नहीं आ रहा, ना कोई मसाला बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहा है ना कुछ कम टेस्ट कर रहा है, परफेक्ट। यानी इस तंदूरी मोमोज को अगर मार्क्स देने हैं तो मैं 10/10 मार्क्स देने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी है। आप अगर वेस्ट दिल्ली में रहते हैं
आप मोमोज खाने के शौकीन हैं और तंदूरी मोमोज अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किए हैं तो निखिल के रेस्टोरेंट फूडोडो में एक बार आइए, और आने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप यहाँ की और कौन सी रेसिपी है जो सीखना चाहते हैं उस बारे में भी हमें बताइए। हम आपके साथ इस तरह के और वीडियोस आगे भी बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन हेलो, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब मखानी पास्ता तंदूरी मोमोज के बाद मैं यहाँ की एक और स्पेशलिटी टेस्ट करने वाली हूँ। खाए जाओ, मज़ा आ गया, इतना टेस्टी फूड। ये है इनका कढ़ाई पनीर। देखिए कितना खूबसूरत है ये, दिखने में इतना खूबसूरत है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि मन कर रहा है बराबर से इसे ट्राई किया जाए। ये है नान, जैसा कि आप देख रहे हैं ये नान बहुत ही पतले हैं। नॉर्मली नान मोटे होते हैं खाने के बाद में, एक नान हैवी हो जाता है, बट ये बहुत ही लाइट लग रहा है। लेकिन खाकर मैं आपको बताती हूँ क्या ये वाकई लाइट है, ये क्रिस्पी तो बहुत है। पनीर बहुत सॉफ्ट है, पनीर को कट करने में बिल्कुल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कैप्सिकम है, और ये मैं खा के बताने वाली हूँ कैसा है। परफेक्ट नमक, परफेक्ट मिर्ची, परफेक्ट मसाला, मज़ा आ गया यहाँ का खाना खा के। कुछ भी ज़्यादा नहीं, कुछ भी कम नहीं। नॉर्मली क्या होता है कढ़ाई पनीर जब हम खाते हैं दूसरे रेस्टोरेंट्स में, तो वहाँ पे बटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, या हाथ में देखते हैं आप ऑयल आ जाता है। लेकिन यहाँ का खाना बिल्कुल ही परफेक्टली कुक किया गया है। खाने में मज़ेदार तो है, स्वाद भी अच्छा है, लेकिन ना तो इसमें ज़्यादा ऑयल है जो आपके हाथों पे अलग से चिपके, और स्वाद भी इसका लाजवाब है। तो फूडोडो का मेरा ये सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। वेस्ट दिल्ली आए और फूडोडो में आके खाना नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। अगर आप वेस्ट दिल्ली में रहते हैं, खाना खाने के शौकीन हैं, या स्पेशली आप वेस्ट दिल्ली आ रहे हैं और अच्छा खाना खाना चाहते हैं, तो फूडोडो चले आइए। ना सोचना ना समझना, सीधे चले आना। फूडोडो का एड्रेस मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल है। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा आगे आइए, पिलर नंबर 767 के बिल्कुल सामने है फूडोडो, जहां आपको मिलेगा तंदूरी मोमो, पास्ता और कढ़ाई पनीर। इसके अलावा भी है बहुत कुछ खास, लेकिन आज मैंने सिर्फ ये ट्राई किया है। आप कुछ और भी ट्राई करेंगे तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप इस तरह के और कौन से वीडियो देखना चाहते हैं, या किस रेस्टोरेंट का रिव्यू आप हमसे करवाना चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। बाय बाय।